लैंग्वेज इंट्रोडक्शन. इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम जापानीज लैंग्वेज को शुरू करते हुए और शुरू करने के बाद आगे बढ़ते हुए किन किन चीज़ों में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको पार करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी बनाने की. जैसे जापानीज लैंग्वेज को शुरू करते समय स्क्रिप्ट की बात करें तो हिरागाना, काताकाना, कांजी स्टूडेंट्स को सबसे पहला चैलेंज लगता है. इसके बाद साउंड्स कौन कौन सी होती है, जैसे हार्ड साउंड नहीं होती, सॉफ्ट साउंड होती है, इन सब चीज़ों को कवर करने का इस वीडियो का टारगेट है. और दूसरी बात कि जापानीज लैंग्वेज में एक बार अगर आपने बेसिक्स सीख लिए तो उन्हीं स्केल्स से आप एडवांस लैंग्वेज तक जा सकते हैं, ये मेरा टारगेट है. तो वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि. चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले स्क्रिप्ट में आता है हिरागाना और काताकाना. देखिए N5 स्टार्ट करते ही स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा ये चैलेंज है, ये मैं कैसे करूँगा, मुझे तो पहचानने में ही नहीं आता है कि हिरागाना क्या होता है, काताकाना क्या होता है. तो देखिए ये सब चीज़ें तो एक बच्चे को अगर इंग्लिश भी सीखने को पड़े तो वो अलग अलग तरह के बहाने बनाएगा. तो ये बहाने बनाना छोड़ के हमें अगर कोई फॉर्मूला चाहिए तो जैसे मैं आपको सिंपली ये बताऊं कि जैसे काताकाना जो होता है, इस तरह से पॉइंटेड शार्प एजेस होते हैं, इनको आप स्टार्टिंग में, बाद में तो देखिए एकदम रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस तरह से लेकर चल सकते हैं कि पॉइंटेड एज है तो ये ज़रूर एक काताकाना है. दूसरी बात, वो फॉरेन वर्ड्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, इंग्लिश वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, तो वो भी एक तरीका है. अगर हम जैसे हिरागाना की बात करें तो हिरागाना में ज़्यादातर जैसे ये जो अल्फ़ाबेट है तो आप देख रहे हैं कि ये गोल शेप में है, तो ज़्यादातर हिरागाना में जैसे अगर हम और हिरागाना की बात देखें तो ये सब गोल शेप्स, पॉइंटेड एजेस कम होंगे. काताकाना में तो गोल शेप लगभग लगभग ना के बराबर ही होती है. अगर हम इस चार्ट को भी देखें, इसमें काताकाना लिखा हुआ है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हिरागाना और काताकाना को डिफरेंशिएट करने का. अब बात आती है कांजी की. देखिए कांजी में सिखाने के लिए तो देखिए और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, गूगल पे भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं. जैसे कि इनिशियली आसान कांजी को आप डिवाइड करिए 50 में, फिर 100 में. लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट करना चाहता हूँ. पढ़ाई तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांजी को सिर्फ अगर हम 100 में भी डिवाइड कर दें और N5, N4, N3 जो JLPT के लेवल्स होते हैं उनमें, जैसे N5 में 100, N4 में 200, N3 में 300, इस तरह से अगर हम चलें तो 6 महीने का टाइम कोई बहुत कम टाइम नहीं है, ये काफ़ी टाइम है अगर आप डेली 1 या 2, 3, 4 कांजी फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा के प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कांजी को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको रीड करके प्रैक्टिस करना है. जैसे आपने देखिए काताकाना भी नया है, हिरागाना भी नया है, इस तरह से कांजी भी नई है. उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आगे जाके N3 N2 लेवल तक भी आपकी वही प्रैक्टिस आपको बड़ी वोकैबुलरी याद करने में हेल्प करेगी. चलिए अब बात करते हैं हम साउंड्स की. देखिए साउंड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बिल्कुल फंडामेंटल. आज इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल की बात कर रहे हैं. तो फंडामेंटल ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आता है साउंड. जिस तरह से हम एकदम से जंप करते हैं हिरागाना में, मैं सीखूं कुरु मा मतलब कार, तो इसको हिरागाना से और डिफरेंट वर्ड्स से सीखने की बजाय पहले आप साउंड सीखें. चाहे आपको KURUMA लिखना पड़े या कहीं पे देखने को मिले, आप उससे सीखिए. इसको कहते हैं कार. इसके बाद इसके पैरेलली, इसके साथ साथ जब आप हिरागाना और काताकाना सीखेंगे तो अगर आप कुरु मा हिरागाना में लिखेंगे या फिर कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको साउंड को हिरागाना से मैच कराने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. और ये आपकी एक बहुत आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट भी बनेगा कि हाँ मुझे मीनिंग आता था, अब वो मैं हिरागाना में भी देख पा रहा हूँ. यानी कि एक वर्ड पूरा जापानीज का मैं पढ़ सकता हूँ कुरुमा, और इसका मतलब होता है कार. सिमिलरली गाको, अब हम थोड़ी सी एडवांस बात करते हैं. गाको का मतलब होता है स्कूल. तो पहले GAKKO इस तरह से आप सीख सकते हैं. उसके बाद जब आप हिरागाना में ये देखेंगे कि गा, जैसे का के ऊपर तेन तेन लग के गा बन गया है, उसके बाद को बोलने के लिए एक छोटा त्सु है और फिर को है, तो गाको ना होकर के गाको हो जाएगा. तो इस तरह से आपको हिरागाना सीखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, साथ साथ वोकेबलरी भी आप कवर कर लेंगे. देखिए N5 में मैं फिर से बात बताना चाहता हूँ आपको, लगभग 340 या 350 पेक्यूलियर वोकेबलरी होती है जिसको हम कवर करके कह सकते हैं N5 के अंदर आता है. वो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं सिर्फ 2 या 3 महीनों के अंदर ही, और 6 महीने का टोटल टाइम है. तो ये इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है. मुश्किल कब आता है,
ध्यान से देखिए, मुश्किल तब आता है जब हम कहते हैं कि N3 आ गया, N2 आ गया, एडवांस लेवल जैपनीज आ गई, कोर्स भी बड़ा हो गया, कांजी भी मुश्किल हो गई। वो मुश्किल इसी वजह से आती है क्योंकि हमारा स्टाइल स्टार्टिंग से ही गलत है। स्टाइल अगर हमारा बिल्कुल ठीक है तो वही टाइम और वही एफर्ट, वही मेहनत, जैसे आप अगर एक दिन में एक घंटा डेढ़ घंटा पढ़ते हैं, वही मेहनत में वो बड़ा वाला लेवल भी आप कवर कर सकते हैं, N3 और N2, इवन N1 का भी। मैं हमेशा से जब भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देता हूं, मैं जब भी ऑनलाइन गाइडिंग या फिर जो भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देता हूं, सबसे पहले यही चीज़ बताता हूं। मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर भी यही चीज़ बताई थी, यही स्टाइल होता है कांजी को भी लर्न करने का। तो चलिए फटाफट से हम मुद्दे की बात पर आते हैं जो कि है साउंड्स। मैं आपको बता रहा था कि साउंड्स जो होती हैं, जैसे इंग्लिश में हमने कंपनी का नेम सीखा हुआ है होंडा, टोयोटा, तो जब आप जैपनीज सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो नाम है, जैसे होंडा है, टोयोटा है, तो डी और टी, बस ये आपको ये दो साउंड्स याद रखनी है, होंडा ना होकर के होंडा, इसी तरह से टोक्यो ना होकर के टोक्यो, टोयोटा ना होकर के टोयोटा। डी और टी साउंड को अगर आप सॉफ्ट करके बोल सकते हैं तो बस प्रोनंसिएशन में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खास तौर पे हम हिंदी लैंग्वेज लर्नर्स के, सॉरी हिंदी लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए जापनीज लैंग्वेज लर्न करना प्रोनंसिएशन के हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको चाइनीज का या कोरियंस का एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। जैसे चाइनीज लोग होते हैं, मतलब मेरा पर्पज उनका मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन उनको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है, जैसे चूंगोकू जिनवा निहोंगो योकू शाम्बेरी मसने, तो इस तरह से करके बोलते हैं वो, क्योंकि उनकी साउंड नोज से ज्यादा आती है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम इंडियंस एकदम क्लियरली बोल सकते हैं चू गोकू जिनवा निहोंगो योकुशा बेरी मासने, बिल्कुल जैपनीज की तरह हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये थे तीन ऐसे बेसिक पॉइंट, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहली बात, आपको हीरागाना काताकाना इंग्लिश साउंड के साथ साथ सीखना है। दूसरी चीज की आपको सॉफ्ट साउंड जहां पर आती है दा ता, उस पर ध्यान रखना है। और तीसरी बात की कांजी या फिर इवन हीरागाना भी, जो कि 45 होती है, काताकाना भी 45 होती है, उसको एक सिर्फ उतने ही स्केल को याद करके पहले स्टार्ट करना है कि कांजी सिर्फ 100 ही करूंगा मैं, कितनी भी हो, चाहे 200 हो 300 हो, मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। तो ये थे तीन फंडामेंटल्स, आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई को आगे चलाएंगे, तो N5 N4 N3 N2 इवन N1 तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसी तरह से मेरी पूरी कोशिश है आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको N4 N3 के लिए भी कुछ फंडामेंटल्स, जो कि आप पढ़ाई तो देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करते हुए कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टाइल सही रखने के लिए, उन चीज़ों की मेरी पूरी कोशिश है आपको गाइड करते रहने की। कीप वॉचिंग आवर चैनल निहोंगोमैक्स। थैंक यू सो मच।